पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे संसार के लिए आशीष का कारण ठहराया। परमेश्वर ने उसे मसीह के द्वारा, जो अब्राहम का ही वंशज था, आशीष ठहराया। मसीह ही तो है जिसने संसार का उद्धार किया। वंश से अभिप्राय है मसीह। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 18 पद में हम पाते हैं, तब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 56 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा है, पर मैं यह कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, उसके साथ वाचा बांधी थी, उसके 430 वर्ष पश्चात व्यवस्था आई, परंतु अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सच तो यह है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटता। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तुम्हें यह देश दूंगा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और असंख्य वंशज दूंगा, बालू के किनकों की तरह। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उससे इसराइल जाति उत्पन्न हुई। इसराइल के अतिरिक्त अब्राहम से अनेक अन्य जातियां भी निकली, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक के द्वारा थी, जिसके वंश से प्रभु यीशु था, जैसा कि पद 16 में परमेश्वर ने उसे कहा था। परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा भी की थी कि वह उसे संपूर्ण मानव जाति के लिए आशीष बनाएगा। मेरे मित्रों, आज इस संसार में एकमात्र आशीष मसीह यीशु है। आपको अपने पड़ोसी, अपने व्यवसाय, अपने कलीसिया से उचित व्यवहार प्राप्त न हो। मेरे विचार में संसार आपको उचित व्यवहार नहीं देगा, परंतु आपको मसीह यीशु प्राप्त है, जो सबसे उत्तम व्यवहार है। सच तो यह है कि मसीह यीशु परमेश्वर का सर्वोत्तम वरदान है। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति है कि जो उसमें विश्वास करेगा वह उनका उद्धार करेगा। हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। मेरे मित्रों, मसीह की प्रतिज्ञा मूसा की व्यवस्था से पूर्व दी गई थी, और वह प्रतिज्ञा ऐसी सिद्ध थी कि मानो व्यवस्था थी ही नहीं। मेरे मित्रों, वह प्रतिज्ञा व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। अब एक प्रश्न यह उठता है, व्यवस्था क्यों दी गई थी, उसका क्या महत्व था? आप यह न सोचे कि पौलुस व्यवस्था को तुच्छ ठहरा रहा था। वह तो वास्तव में उन्हें व्यवस्था का उद्देश्य समझा रहा था। वह व्यवस्था को उसकी भव्यता में प्रकट कर रहा था, उसकी परिपूर्णता, उसकी सिद्धता में। परंतु वह यह दिखाना चाहता है कि व्यवस्था जिस सिद्धता को प्रकाशित करती है वही तो मुख्य बाधा है, जो आपके और मेरे परमेश्वर के निकट आने में आड़े या रुकावट आ रही है। अब सुनिए पौलुस व्यवस्था की सिद्धता के विषय में क्या कहता है। गलातियों के पत्री 3 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्ग दूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई।
अब प्रश्न यह है कि व्यवस्था का सेवा कार्य क्या है? वह उद्देश्य का वाक्य प्रस्तुत करता है। व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पॉलुस कहता है कि वह एक अतिरिक्त प्रबंध था जो अपराधों के निमित्त था कि उस वंश के आने तक रहे। यह तक शब्द एक महत्वपूर्ण समय संबंधित शब्द है। इसका अर्थ है कि व्यवस्था अस्थाई थी, मूसा और मसीह के मध्य के अंतराल के लिए दी गई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:17 में लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि व्यवस्था उस वंश के आने तक एक अस्थाई प्रबंध था। यह वंश मसीह यीशु था। व्यवस्था तो अपराधों के कारण बाद में दी गई थी। वह पाप प्रकट करने के लिए दी गई थी और पाप निवारण के लिए नहीं। वह मनुष्य को पाप से बचाने के उद्देश्य के निमित्त नहीं थी, क्योंकि पाप तो पहले ही आ चुका था। वह तो मनुष्य पर यह प्रकट करने के लिए थी कि वह स्वभाव से एक कुरूप अशिष्ट पापी है। एक सत्यनिष्ठ मनुष्य अपने को व्यवस्था के प्रकाश में देखकर स्वयं को अपराधी मानेगा। वह इसलिए नहीं दी गई थी कि वह सब मनुष्यों को पापी सिद्ध करे, और न ही वह मनुष्य की पवित्रता के मानदंड हेतु दी गई थी, जैसा अनेक लोग या मुक्त विचारक इस प्रकार से सोचते हैं और आज कहते हैं। मेरे मित्रों, आप इस प्रकार पवित्र कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी योग्यता में व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। बहुत लोगों का सोचना है कि मनुष्य पाप करके पापी होता है, अन्यथा वह पाप रहित है। यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि वह पापी होने के कारण पाप करता है। मनुष्य चोरी करता है क्योंकि वह चोर है। मनुष्य झूठ बोलता है क्योंकि वह झूठा है। मैं स्वयं को झूठ का दोषी पाता हूं, जबकि मैं दोष दूसरों को देता हूं। मैं सुबह अपना घर छोड़ता हूं तो सबसे पहला मनुष्य जिससे मेरी भेंट होती है वह कहता है, ओह कैसा सुंदर दिन है, और मैं कहता हूं, हाँ है, जबकि सच तो यह है कि वह दिन कोहरा से भरा हुआ है। मैंने झूठ कहा। जी हाँ, अब वह पूछता है, आप कैसे हैं? सच तो यह है कि मैं प्रसन्न चित नहीं हूं, परंतु मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छा हूं। देखिए, कुछ ही क्षणों में मैंने दो बार झूठ बोला। मेरे मित्रों, यह हमारी स्वाभाविक वृत्ति है। कुछ लोग इससे बड़े झूठ बोलते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? यह हमारा पतित स्वभाव है, हमारा गिरा हुआ स्वभाव है, पाप में पड़ा हुआ स्वभाव है। व्यवस्था हमें इसलिए दी गई थी कि हमें पाप का बोध करवाए और हमारे लिए मध्यस्थता की आवश्यकता को उत्पन्न करे, कि वह हमारे और परमेश्वर के मध्य खड़ा हो, वह जो हमारी सहायता कर सके। गलातियों की पत्री 3:21 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि ना हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्यों? यदि पापियों के उद्धार का कोई और उपाय होता तो परमेश्वर उसे काम में ले लेता। यदि वह पापियों के उद्धार के लिए कोई नियम स्थापित कर पाता तो वह अवश्य ही इसे करता। हम गलातियों के पत्री 3:22 में आगे पढ़ते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। मेरे मित्रों, हम देख चुके हैं कि व्यवस्था मृत्युदायक है। यहेजकेल की पुस्तक 18:20 में लिखा है कि जो प्राणी पाप करेगा वह मारा जाए।
धर्मशास्त्र सबको पापी ठहराता है, अतः सब मर गए हैं। अब आवश्यकता जिस बात की है वह है जीवन। हमने देखा कि व्यवस्था जो एकमात्र काम कर सकती है वह है मृत्यु लाना। पाप की गहराई नहीं जो पाप लाती है, पाप की सच्चाई ही मृत्यु के लिए पर्याप्त है। अतः सब मृतक हैं और सबको बराबर आवश्यकता है कि वे जीवन पाएं। आपने महापाप नहीं किया, परंतु आपका और मेरा स्वभाव ही महापाप का है। एक महान जर्मन लेखक गीत ने लिखा, मैंने कभी अपराध होते नहीं देखा, परंतु यदि मैं स्वयं वह अपराध करता तो क्या होता। वह समझता था कि उसमें भी वही स्वभाव है, अतः पाप करना मृत्यु नहीं लाता है। यह सत्य है कि हम पापी हैं जो मृत्यु लाता है। मैं आपको पाप का यह सत्य, पाप की गहनता नहीं है, इसका उदाहरण देता हूँ। एक 24 मंजिल की इमारत की कल्पना कीजिए। उसकी छत पर 3 पुरुष खड़े हैं। वहाँ उस इमारत का पर्यवेक्षक आता है और उन्हें चेतावनी देता है, सावधान रहना कि इस इमारत से गिर ना जाओ, नहीं तो मर जाओगे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, यह पागल आदमी सबको डराता है, मैं नहीं मानता कि यहाँ से कूदकर मैं मर जाऊँगा। अतः वह चलता चला जाता है और इमारत के बाहर कदम रख देता है। अब मान लीजिए कि 10वीं मंजिल पर कोई उसे देख लेता है और पूछता है, कैसा लग रहा है। वह कहता है, अब तक तो सब ठीक है, वह अभी अंतिम रेखा पर पहुँचा नहीं है, वहाँ मृत्यु है। वह पर्यवेक्षक सही कहता था, वह मर गया। अब दूसरा व्यक्ति डर कर लिफ्ट की ओर भागता है, परंतु उसका पांव फिसल जाता है और वह मुंडेर के पार सड़क पर गिरकर मर जाता है। अब बचा एक मनुष्य जिसे उसके बैरी उठाकर नीचे फेंक देते हैं, वह भी मर जाता है। तीनों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ा और उनके लिए मृत्यु अवश्यंभावी थी। अब आप समझ सकते हैं कि यह तथ्य है न कि गहराई। तीनों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ा, तीनों मुंडेर के पार गए। अब प्रश्न यह है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसने उनकी जान ली, क्या वह उन्हें जीवन दे सकता है? कदापि नहीं। इसी प्रकार व्यवस्था के नियम भी आपको जीवन नहीं दे सकते हैं। व्यवस्था का उल्लंघन करके आप जैसे भी मर जाएंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन करके वे तीनों पुरुष मर गए। आप अपरिस्थिति को वीडियो फिल्म के समान उल्टा चलाकर उन्हें फिर से छत पर जीवित खड़ा नहीं कर सकते हैं। जहां भी पाप होगा वहां मृत्यु आएगी। पाप का नियम परिस्थितियों को पलटना नहीं जानता है। वह दया के बारे में भी कुछ नहीं जानता है। उसमें गुंजाइश का कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, वह परिवर्तन क्षम नहीं है, वह निष्ठुर है, वह अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर का वचन कहता है यज्ञेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 पद में, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा से कहा था। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 7 पद में वह कहता है, दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। सबने पाप किया है, इसलिए व्यवस्था के अनुसार सब मर चुके हैं। व्यवस्था ने हमारी हत्या कर दी है। पौलुस व्यवस्था के बारे में कहता है 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में कि व्यवस्था को कहता है मृत्यु की वह वाचा। यह दोष लगाने वाली वाचा है। व्यवस्था हम सबको दोषी ठहराती है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। क्या व्यवस्था जीवन दे सकती है? मेरे मित्रों, व्यवस्था ऊंची इमारत से कूदने वाले को जीवन नहीं दे सकती और यह जीवन दान नहीं कर सकती। व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी जीवन दान नहीं था। वह तो केवल हमें परमेश्वर के समक्ष
पापी होने का बोध करवाने के लिए दी गई थी। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया है ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए वह पूरी हो जाए। जी हाँ, यह एक प्रभावी कथन है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 3:23 में लिखा हुआ है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। विश्वास के आने से पहले अर्थात मसीह यीशु जो हमारे लिए मर गया उसमें विश्वास। प्रभु यीशु के आगमन तक व्यवस्था में दया का प्रबंध था क्योंकि उसमें दया का आसन था। उसमें एक वेदी थी जहां पाप बलि चढ़ाई जाती थी और दया प्राप्त की जाती थी। वहां दया का प्रावधान था। सब पाप बलियां मसीह की ओर संकेत करती थी। विश्वास के आने से पूर्व पौलुस कहता है हम व्यवस्था के अधीन थे, उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहें। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है जिसके द्वारा मुझे और आपको उद्धार प्राप्त होता है। क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं हमारे लिए बनाई गई है, जो भी व्यवस्थाएं हमें दी गई है, यह सिर्फ हमें पाप का बोध कराती है और हमें इस बात का स्मरण दिलाती है कि हम पापी हैं। जब हम इस बात को जान जाते हैं कि हम पापी हैं तो यह निश्चय है कि मुझे और आपको उससे छुटकारा पाना है। और छुटकारा हम स्वयं से नहीं पा सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय मित्र, मैं नहीं जानता कि आप किस पर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि आप इस बात को जानते हैं कि आप पापी हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी उद्धार की प्राप्ति हो, तो आप यीशु के पास आ सकते हैं, उससे अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं और निश्चय ही आप उद्धार को प्राप्त करेंगे।